गर्म मौसम, बारिश और बादल, काफी प्यारा मौसम हो गया। हमें जो सामान इनको नहीं चाहिए बच्चों के स्कूल में, वो फिर इस तरह पैक करके दे देते हैं। इस तरह बच्चों की अलमारियां बनी होती हैं और फोटोज लगी होती हैं, जो जिसकी होती है उसका सारा सामान वहां पे होता है। ये सारे इनके बारिश वाले शूज़ होते हैं, जब बारिश हो तो फिर ये पहन के बाहर जाते हैं। ये बच्चों का कमरा सारा, जहाँ पे इनका सामान पड़ा होता है, और ये फिर जिन्होंने साथ ले जाना होता है वो साथ इस तरह पैक कर देते हैं। बारिश आई छप छप छप, छाता लेके निकले हम, वो ही छाता, ऐसा का छाता लेना, किधर इनको ओपन करना है, छाता इनको ओपन करना है। ओके, छुट्टियों के बाद पहला दिन काम पर, और ये होटल है वो कोने से लेके वो दूसरे कोने तक। थोड़ी कन्फ्यूजन थी, नर्वसनेस थी थोड़ी, छुट्टियों के बाद काम पे आना, फिर गौरव को हैंडल करना, ये सारा कुछ। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आधी शिफ्ट गुजर गई है, काफ़ी कुछ नहीं हुआ है जाने के बाद। काफ़ी बहुत ज़्यादा टास्क हैं जो करने पड़ते हैं, तो चल रहा यहीं पे जॉब पे रात हो गई और यहीं से दिन चढ़ गया। कई लोगों की शिफ्ट अभी स्टार्ट हो रही है और कईयों की एंड, जा सके हमारी एक घंटे बाद शिफ्ट एंड हो जाएगी। हाँ देखें कि मशीनरी लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सामने इन्होंने सड़क बंद कर दी हुई है। एहतियाती तदाबीर इधर सबसे पहले और बहुत ज़रूरी होती हैं। जब भी ये काम शुरू करते हैं सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना आए, और उसके बाद काम स्टार्ट किया जाता है। ये जालियाँ, ग्रिलें, और ये भी नहीं होता कि जस्ट रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। ये देखें बड़े अच्छे तरीके के साथ रास्ता जो है इन्होंने बनाया साइकिल वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए, और ये देखें एहतियात इनकी। उसके बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया। सुबह सुबह ही 5 बजते हैं जब, तो इधर दौड़ लगी होती है, हर बंदा अपने अपने काम पे जा रहा होता है। ये कोई भी शौकिया गाड़ी लेके नहीं निकलता, जो गाड़ी में बैठा है, जो साइकिलों पे जा रहे हैं पैदल, सब कामों पे जा रहे हैं, कोई दफ्तरों में, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। ये थी जी मेरी आज तक की वीडियो। छुट्टियों के बाद काम पे जाना यकीन करें बड़ा मुश्किल लगता है यूरोप में, क्योंकि काम अगर थोड़ा सा सख्त नियत का हो तो बंदा कहता झूठ ही हो जाए, और छुट्टियां गुजरती हैं इतनी जल्दी कि पता भी नहीं चलता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।